नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब से लुलू मॉल ओपन हुआ है, खुला है, तब से इसके साथ विवाद जुड़ गए हैं। हर दिन इसके साथ एक नई सुर्खी जुड़ती है, हर दिन इसके साथ एक नया विवाद जुड़ता है। क्या वजह है? किसी को इसके नाम पे प्रॉब्लम है, किसी को और तरह की प्रॉब्लम है। 11 एकड़ में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल खुलने से पहले ही अपनी स्ट्रक्चर और खूबसूरती को लेकर के चर्चाओं में था, लेकिन उद्घाटन के 4 दिन के बाद से ही यहाँ पर नमाज पढ़े जाने को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ गया। लुलू मॉल को लेकर के छिड़ी इन चर्चाओं के बीच एक चर्चा और है, लुलू ग्रुप्स इंटरनेशनल की भी। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इस ग्रुप के स्टोर्स मिडल ईस्ट, एशिया, अमेरिका और यूरोप सहित 22 देशों में है। यानी कि ये इतना बड़ा ग्रुप है लुलू ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल। दुनिया भर में इसके 235 रिटेल स्टोर हैं, कई शॉपिंग मॉल हैं और लुलू ग्रुप इंटरनेशनल का कारोबार अरब देशों, खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर भी UAE में अबू धाबी में है। लुलू ग्रुप का सालाना टर्नओवर अगर देखें तो 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का है। अब पीछे ये भी सुनने में आया था कि इसके नाम पर भी लोगों को ऐतराज है कि इसका नाम अजीबोगरीब क्यों है। लुलू ग्रुप का मुख्य बिजनेस अरब देशों में होने के चलते इसका नाम अरबी शब्द लुलू पर रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि अरबी में लुलू का मतलब होता है मोती। लुलू शब्द का जिक्र कुरान के सूरा रहमान और कुरान के आयत नंबर 22 में है। यूसुफ अली ने बस इसी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रुप का नाम लुलू रख लिया। इस नाम के पीछे का एक मकसद अपने ब्रांड को तेजी से अरब कंट्रीज में स्थापित करना भी था। इसके चेयरमैन MA यूसुफ अली लुलू इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 15 नवंबर 1955 को केरल में जन्म लेते हैं। ग्लोबल फोर्ब्स लिस्ट में इनका जो रैंक है वो 579वीं रैंक है इनकी, और इसी के साथ इनकी नेटवर्थ कुल जो वर्थ है, जो इसकी वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है इसका 4.7 बिलियन डॉलर है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में यूसुफ अली ने अपने चाचा के छोटे से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़ने के बाद काफ़ी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। वो अबू धाबी में पहले छोटा मोटा शॉपिंग स्टोर चलाते थे, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और 90 के दशक तक अली ने अबू धाबी में पहला लुलू हाइपर मार्केट खोल लिया। और 2000 में यूसुफ अली ने पूरे गोल्फ में लुलू हाइपरमार्केट ग्रुप की शुरुआत कर दी। यूसुफ अली की 3 बेटियां हैं, उनका पूरा परिवार अबू धाबी में रहता है और बिजनेस संभालता है। अरब देशों के शाही परिवारों में से MA यूसुफ अली की काफ़ी करीबियां हैं। ये भी बताया जाता है कि अप्रैल 2020 में अबू धाबी के शाही परिवार के एक सदस्य ने लुलू ग्रुप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करके 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी। लुलू ग्रुप के मालिक यूसुफ अली का नाम दान देने वाले उद्योगपतियों में भी आता है। उन्होंने अगस्त 2018 में केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की मदद की थी। इसके अलावा यूसुफ अली ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी लगभग 55 करोड़ का दान दिया था। गल्फ में बिजनेस जमाने के बाद 2006 में यूसुफ अली ने
भारत का रुख किया। उन्होंने अपने मूल निवास स्थान केरल के त्रिशूर में एक होटल शुरू करके भारत में अपने बिजनेस की शुरुआत की। 2013 में उन्होंने त्रिशूर स्थित कैथोलिक सीरियन बैंक के 4.99% और त्रिशूर स्थित धनलक्ष्मी बैंक के 4.99% शेयरों को खरीदा। 2013 में उन्होंने अलुवा स्थित फेडरल बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 4.47% कर दी। 2014 में यूसुफ अली ने साउथ इंडियन बैंक त्रिशूर के एक अन्य बैंक की 2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 9.37% की हिस्सेदारी ले ली। साल 2019 में यूसुफ अली ने केरल के त्रिप्रेयर और त्रिशूर में अपना शॉपिंग मॉल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में उन्होंने बेंगलुरु में एक और मॉल खोल करके भारत में अपना तीसरा शॉपिंग मॉल शुरू किया। फिर दिसंबर 2021 में चौथा मॉल केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला और पांचवा मॉल पाली में लखनऊ में शुरू हुआ है। इसे भारत का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। हालांकि कहने को जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं दिल्ली समेत, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े मॉल हैं, लेकिन लखनऊ के लुलू मॉल के बराबर उनकी बराबरी नहीं है। इतने बड़े वो नहीं है और इतने खूबसूरत नहीं है। लुलू मॉल जो है अपने आप में अलग तरीके का डिज़ाइन किया हुआ एक खूबसूरत मॉल है। हर ब्रांड वहाँ मिलता है, चाहे वो विदेशी ब्रांड हो चाहे वो इंडियन ब्रांड हो। और इसके अंदर शॉपिंग करने आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले दिन ही वहाँ 1 लाख लोग पहुँचे थे, अब ये संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। हालांकि इसके साथ कई सारे विवाद जुड़े हैं। दूसरे ही दिन वहाँ पे कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी और उसका वीडियो वायरल हो जाने के बाद हिंदू संगठनों ने वहाँ पे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने के लिए ऐलान कर दिया था। बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे भी लेकिन उन्हें गेट पर ही रोका गया। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि लुलू का जो प्रबंधन है उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया कि इस मॉल में कोई भी धार्मिक एक्टिविटी, प्रार्थना ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस पे ऐतराज किया जाए। तो दोस्तों, ये आपको कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।